नई संसद भवन के उद्घाटन पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्ष के विरोध को सही बताया। उन्होंने नई संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी की जगह राष्ट्रपति से करवाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का नई संसद भवन पर बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष का विरोध बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं रामगोपाल यादव, जो कि पहले कह रहे थे कि पीएम अगर इसका उद्घाटन कर रहे हैं तो ठीक है। अब देखिए बयान उनका बदल गया है, नई संसद का उद्घाटन पीएम की जगह राष्ट्रपति करें, ये कहा है रामगोपाल यादव ने। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी। सर, बीजेपी ये कह रही है कि विरोध करना प्रतीक हो गया विपक्ष का और अपने जो फैसले हैं उसको रिकन्सिडर करना चाहिए और इतने बड़े समारोह में शामिल होना चाहिए। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें विपक्ष अगर विरोध न करे तो इतिहास विपक्ष को दोषी ठहराएगा। हमारा संविधान और सारे लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद के तीन अंग हैं, नंबर एक राष्ट्रपति, नंबर दो राज्यसभा, नंबर तीन लोकसभा। तो और वही लेजिस्लेचर का प्रमुख भी है राष्ट्रपति, उसके द्वारा उद्घाटन न हो नई संसद भवन का, इसका औचित्य किसी की समझ में नहीं आ सकता। किसी की जो राइट थिंकिंग लोग हैं, जो सही तरीके से सोचने वाले हैं, जो संसदीय मान्यताओं मर्यादाओं की बात करने वाले हैं, जो एक प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए था। लेकिन बीजेपी सारी जो संसदीय मान्यताएं हैं उन सबको धीरे धीरे भूलने लगी। सर, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि जो राष्ट्रपति वर्तमान में है इन्हीं की जब निर्वाचन हो रहा था तो आप लोगों ने विरोध किया था और अब सिर्फ और सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। देखिए, इनके बयान पर तो मैं कोई प्रतिक्रिया देना ही नहीं चाहता हूँ। इनका और संसदीय मान्यताओं का क्या संबंध है, इनका इतिहास देखिए उठा के। एनडीए ने भी कल अपनी ओर से पत्र जारी किया है और कहा है कि आपको अपने फैसले पर रिकन्सिडर करना चाहिए और फैसला उचित नहीं है। ये उनका कहना है, हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन कराना चाहिए था, उनको एक विशिष्ट अतिथि के रूप में वहाँ रहना चाहिए था जिससे हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी इस बड़े कार्यक्रम में शामिल हो सकें। बातचीत करने की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जिनका कहना है कि जनता की जो मांग होगी समय रहते उस पर निर्णय किया जाएगा। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार पर कहा कि संविधान में सबसे सर्वोपरि राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन। ये संसदीय लोकतंत्र में एबीपी गंगा असली कार्यकाल का तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यकाल का तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।